तो लास्ट एक महीने से यूट्यूब में हूँ, तो अब बता दो यूट्यूब में क्या क्या मिला मुझे। क्या तो अभी चार्ज कर रहा हूँ एजीएस असम यूट्यूब के साथ, बहुत ही बढ़िया चैनल है, नया चैनल है, मोनिटाइज भी हो गया ऑलरेडी, और एक वीडियो में 1.4 मिलियन व्यूज भी आ गए। बचपन में बुलडोजर को राक्षस बोलते थे हम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सोच रहे होंगे 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, एक्चुअली 3 दिन से बहुत ही बिजी हूँ, थोड़ा बिजनेस में भी बिजी हूँ और कुछ ऐसे प्रॉब्लम में चिपक गए, क्या ही बताऊँ। हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है आज 3-4 दिन से। इतने में मामा भी बन गए, घर में नया मेहमान भी आ गए, सब खुल के बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कॉफी हो जाए सिरेन के साथ। सिरेन कॉफी कहाँ तक? अरे ये तो चाय की तरह दिख रहा है। और थोड़ा टाइम बाकी है कॉफी पीने के लिए, तो कॉफी पीता हूँ और सब बताता हूँ। बात कुछ ऐसा हुआ कि मैं 4 दिन पहले शाम को ब्लॉग करना शुरू किया था, मन में काफी खुशी था, छोटी बहन का बच्चा होने वाला है, नर्सिंग में जाना है, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आज का दिन मजे से गया, चंगे से गया और दो पाइनएप्पल भी खाया। गुड इवनिंग, ये है बालिका बाजार। ये है रोशी, यहाँ अच्छा पराठा बनाता है, ढेर सारा चिड़ियों का घोंसला है वो दिखा रहा हूँ। साथ दे रहा है इमरान जो हाफलोंग और चेन्नई में था। बारिश के एक दो बूंदे गिरना शुरू हो गया, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। घर में नया मेहमान आ रहा है मेरी छोटी बहन के घर में, छोटी बहन को आज रात को नर्सिंग में एडमिट करेगा, कल सुबह को सीजरियन होगा, तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बूंदे बढ़ने लगे, आजकल आसाम में इतना गर्मी है ना, क्या बताऊं, जब बारिश आता है ऐसा लगता है कि बारिश ने जान आ रहा है। लो आ गया बारिश। अच्छा हुआ, बारिश में ड्राइविंग करने का मजा ही अलग है। खबरगांव में शाम की समोसा मस्त मस्त। तो अभी नर्सिंग के लिए कुछ मिठाई ले लेते हैं। अभी रात के 9 ही बज गए, नर्सिंग में तो वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं, और कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए था वो सब ले लिया, तो अब निकलता हूँ घर। तो फिर नर्सिंग से घर आके रात के 1 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, फिर थोड़ा टाइम के लिए आया, फिर अगले दिन सेम प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, फिर मेरे को नौगांव जाना है, थोड़ा बिजनेस का भी काम है और नर्सिंग होम में भी जाना है। अभी हम दिल कर रहे हैं टमटम की सवारी, पीछे निकल के अभी हम आगे खाने के लिए, मस्त जगह है। क्या खाओगे? पुलाव। तुम पुलाव या भात? भात खाऊंगा, हाँ चावल भात जब भी खाओ। जूस पी लेते हैं। दूसरे दिन भी रात के 12 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, फिर आधी रात को थोड़े टाइम के लिए आया, फिर नेक्स्ट दिन नर्सिंग से रिलीज रहना है, उन लोगों को लगे घर आना है। वाह वेदर वेदर, 3 दिन से इतना बिजी लाइफ का तो क्या ही बताओ। घर आया तो उसी रात फिर से प्रॉब्लम, और ऐसा प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ही नहीं हुआ। अभी तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हो, अभी मेरे बुआ के घर में हूँ, सिरेन के घर में हूँ। अभी शेड्यूल ऐसा करना है कि एमएलए के घर जाना है, हमारे लोकल एमएलए के घर जाना है, तो देखते क्या होता है। पहले कॉफी पी लेता हूँ फिर बात करता हूँ। मैं सिर्फ एक खाऊँ, एक खाऊँ। हाँ बहुत बढ़िया हुआ, थैंक यू। तो लास्ट एक महीने से यूट्यूब में हूँ, तो अब बताता हूँ यूट्यूब में क्या क्या मिला मुझे, क्या क्या हासिल किया एक महीने में यूट्यूब से, कितना आगे बढ़ा, क्या क्या हुआ, कितना व्यूज आए, सब डिटेल्स में बताओ। तो अभी सारे डाटा आ गए, एक महीने में मेरा टोटल व्यूज आया है 8.3K। वाह ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, पता है 61 सब्सक्राइबर आया है, बढ़िया। और एक वीडियो अच्छा खासा 300+ व्यूज़ आया है, शादी की वीडियो में, एकोलैंड का और शिलोंग का वीडियो में 150 के करीब व्यूज है, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा है। तो फाइनली जा रहा हूँ हमारे एमएलए के घर, एमएलए साहब अभी शायद आते ही होंगे। ये हमारा रुपोही डेवलपमेंट ब्लॉक, बहुत ही सुंदर है, एक बड़ा सा फील्ड, इसमें बचपन में खेला करते थे हम, यहाँ एक बुलडोजर खड़ा है, बचपन में बुलडोजर को राक्षस बोलते थे हम। गांव के बीच कितना प्यारा रोड है,
फाइनली पहुंच गए एमएलए साहब के घर। एमएलए साहब के घर से आ गए, अभी खाता हूँ खाना। आज खाना काफी मजेदार है, सलाद, चावल, भात, सब्जी, टोमेटो, बिलाही। बहुत ही बढ़िया, तो मस्त खाना हो गया, अभी निकलता हूँ। तो मैं चलता हूँ, बाय। फाइनली ब्लॉग चलते चलते मोहतरमा भी आ गए। भूख लगी? भूख तो लगी है। और टाइम तो काफी ज्यादा हो गया, 2:43। तो कुंडू की दुकान में चलते हैं। कुंडू की दुकान क्यों? शॉपिंग। लो, जिसका डर था वही हुआ, फिर से शॉपिंग। शॉपिंग हो गए, अब चलते हैं घर। ये है अपना प्यारा सा रूपाही कॉलेज, ये रहा सामा की स्कूल। सामा अलिया, क्या चल रहा है? नकली नाखून? हाँ। तुम भी? हाँ। फ्रेश, यही तो है गांव का मजा। बहुत टेस्टी। अभी हाथ से तोड़ूंगा। डाल टूट गया, टूट गया। कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। चलो सभी, अलिया सामा, इसके अंदर काला नमक डाल के फिर खाऊंगा, ठीक है? ऐसा मैं कोलकाता में खाया था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वाभा, असामीज में बोलते हैं मधुरियाम। कम कम। हाँ। ये अभी चाकू से काटूंगा। ये कट दिया, अभी काला नमक से हम खाएंगे। चलो बाहर जाके खाते। चलो। पापा, हमारा सैंडल। ऐसे है? बैठ के खाओगे? तो फिर? चलो बैठते हैं, मजा आएगा। तो हम अभी बाहर आ गए, जमीन में बैठ गए हम सभी। अभी यहाँ खाएंगे मधुरियाम। कोई बात नहीं, हाथ तो साफ है ना? नहीं, मेरे बाल थोड़ा धोल लगे। ओके, धो के आओ। ठीक है। अल्ले तुम भी? हाँ। ओके, हाथ धो के। बढ़िया। पापा, ये नीचे गिर गई। फेंक दो। गाय खा लेगी। खाओ खाओ, ये नमक लगा के खाओ। ये बाल नरम है। हमारा लोकेशन। काला नमक से टेस्टी है ना? हाँ, बहुत ही टेस्टी है। हाँ। साकिब आ गया, ये लो साकिब। आज अमरुद इतना अच्छा लगा, क्या बताओ? अभी याद आया हिंदी में। मैं इतना टाइम भूल रहा था, हिंदी में इसको अमरुद बोलते हैं। हम असम में क्या बोलते हैं? मधुरियाम। वेरी गुड। अच्छा खासा रेस्ट ले लिया। क्या चल रहा है? ये बॉन खा लियो और काजू। ओके, खाते रहो। तो रात का खाना पीना हो गया, तो सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग एंड चैनल को, तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। जॉय आयो होम। ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैं भूल गया, शायद अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वाभा। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वाभा।